ड्रीम इलेवन या फिर किसी भी फैंटेसी ऐप में ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि देखो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि हम सच में ग्रैंड लीग जीतना भी चाहते हैं या फिर नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैंने ग्रैंड लीग को ओपन कर रखा है, इसके अंदर बहुत सारे अपने अलग अलग कॉन्टेस्ट आपको शो रहे होंगे। सारे कॉन्टेस्ट के अंदर हम ग्रैंड लीग को ओपन करेंगे, ठीक है। अब इस ग्रैंड लीग के अंदर आप देख सकते हो 49 रुपीज की ग्रैंड लीग है, जिसके अंदर पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे देखते हैं ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 लाख से 31 लाख लोगों को 49 रुपीज वापिस मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या रह गया कि 48 लाख टोटल टीमें लगेगी। अगर आप अपनी टीम लगाते हो और अच्छी खासी टीम लगाते हो ना, एक एवरेज टीम बना के भी या फिर नॉर्मल से भी टीम लगाओगे, तो भी आपने जो टीम लगाई उसे 49 रुपीज आपको वापस मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ये सोच के टीम बना रहे हो। यहाँ पर गाइस गौर फरमाना, हो सकता है अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी ऐसे ही सोचते थे तो कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं बताने वाला हूँ कि आप ये सोचते हो टीम बनाते हो कि चलो 49 रुपीज के साथ में एक ग्रैंड लीग हम ज्वाइन कर लेते हैं, अगर ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक आ गई तो ठीक है, नहीं तो हमारे 49 रुपीज हमें वापस मिल जाएंगे। क्या आप भी यही सोच के यहाँ पर ग्रैंड लीग खेलते हो? तो गाइस ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और ग्रैंड लीग खेलने का कोई भी मतलब नहीं रह रहा है। अगर आप इस 49 रुपीज लगा रहे हो, देन 49 रुपीज वापस आपको मिल रहे हैं, तो क्या ही मतलब है। या फिर थोड़ी सी अच्छी रैंक आ गई तो आपने 49 रुपीज लगाए और आपको 100 रुपए मिल गए, और नेक्स्ट मैच के अंदर 49 लगा के आप वापस हार भी गए, तो ड्रीम इलेवन से कमा के आप ड्रीम इलेवन में भी आपने लगा दिया फिर हार गए, उसका कोई भी मतलब नहीं रहा। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि 49 रुपीज लगा के 49 रुपए अगर आप विन करते हो, तो यानी कि आप ग्रैंड लीग को कभी भी जीत नहीं सकते हो। अगर आप एक्चुअली ग्रैंड लीग को जीतना चाहते हो, तो गाइस वो तरीका मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से टीम बनानी पड़ेगी। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल परफेक्ट विन में। तो यहाँ पर देखो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी ग्रैंड लीग को खेलने के लिए सीरियस हो, वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे एक आइडिया लग सके कितने लोग यहाँ पर सीरियस है। और साथ में अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पर हमें टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, परफेक्ट पूरी एक फैमिली है। यहाँ पर मैं फ्री में गाइस टीमें देता हूँ, जो यहाँ पर सभी लोगों की विनिंग के साथ में डाली हुई है। लोगों ने काफी अच्छी विनिंग की है मेरी टीम के थ्रू, देख सकते हो गाइस जो टीम मैंने प्रोवाइड की है T10 के अंदर। तो मैं काफी सारे मैचेस कवर करता हूँ, अगर आप उन मैचेस के साथ में, उन टीम के साथ में खेलना चाहते हो, तो परफेक्ट विन के टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाना, साथ में मिलकर खेलेंगे। मैं आपको टीम दे दूंगा, उसके साथ में ज्वाइनिंग कर देना। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ग्रैंड लीग की टीम कैसे दे। तो मैं अगर ट्राई करूंगा, अगर मुझे कोई मैच लगता है ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट, जैसे T10 की मैं टीम देता हूं, तो उसके अंदर कुछ टीमें ऐसी होती है जो ग्रैंड लीग में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है, तो अगर आप चाहो तो उन टीमों के साथ में भी खेल सकते हो, ठीक है। तो वो जैसे मतलब रैंक के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो काफी लोगों ने काफी अच्छी रैंक भी लाया। एक काम करना सिंपल सा है, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके आप खुद चेक करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक दिख गया, यहाँ पर आप देख सकते हो इन वीडियोस को देख रहे हैं, पंकज जी ने काफी सारे मैचेस कवर किए हैं, उसमें से गाइस कबड्डी के मैच के अंदर इनको काफी अच्छी विनिंग हुई, पहली रैंक तक भी आई है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं होगा गाइस, टाइम टू टाइम होता है, इन्होंने कोर्स भी खरीदा हुआ है, ये सीखते भी रहते हैं टाइम टू टाइम। तो गाइस सीखना बहुत जरूरी है, अगर आप सीखोगे ना तो यहाँ पर आप अच्छी विनिंग कर पाओगे। तो देखो अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रैंड लीग की। तो यहाँ वीडियो के शुरू में जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप 49 रुपीज लगाते हो, देन सोचते हो कि ग्रैंड लीग जीत गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं जीता तो जितने रुपए मैंने लगाए उतने रुपए मुझे वापस भी मिल जाएंगे। तो यही सोचना आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों गलती क्यों है, तो वो सिंपल सी बात है, अगर आपने 49 रुपीज लगाए देन 49 रुपीज आपको वापस मिल गए, तो इसका कोई सेंस ही नहीं रहा। इससे अच्छा तो आप खेलते ही नहीं, इससे अच्छा आपको स्मॉल लीग खेल लेते, क्या मतलब वहां पे आप 49 लगा के 100 रुपए जीते, अगली बार 100 लगा के 200, 200 लगा के 400, इस तरीके से आप विनिंग करते। बट ये तरीका तो बहुत ही गलत हो जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। वो आप कैसे बनाओगे कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितनी टीमों के साथ में खेलोगे, उतनी टीमों के साथ में खेलना, ऐसा कोई फिक्स नहीं। किसी मैच में आपको लग सकता है चार टीमें बढ़िया रहेगी, किसी टीम मैच में लगता है एक टीम बढ़िया रहेगी, किसी मैच में लगता है 6 टीमें बढ़िया रहेगी। ये टीमें के बारे में जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आपको कहाँ पे बेनिफिट करेगा कि लास्ट में इन द सेंस की जैसे मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा, वहां पे आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वीडियो के आखिर में बता दूंगा कि कितनी टीमें बेस्ट रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी होती है, बहुत सारी चीजें कैसे कि आप एक टीम बनाते हो तो आपकी क्या होता है कि सारे प्लेयर तो एकदम परफेक्ट होते हैं, ऐसे होते हैं जो ड्रीम टीम के प्लेयर हो, लेकिन फिर भी आप पहली रैंक नहीं आती। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 20 टीमें बनाई, 20 टीमों में से आपकी 1 से 2 टीमें ऐसी होगी जिसके अंदर आपकी ड्रीम टीम के 11 के 11 प्लेयर हो, लेकिन यहाँ पर आप नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट नहीं था, कैप्टन वाइस कैप्टन आपने बहुत गलत सेलेक्ट किए हुए थे, जिसकी वजह से आपने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए को मतलब मिस कर दिया, यानी आप 1 करोड़ रुपए नहीं जीत पाए। वहीं पर कितने लोगों के साथ ये रहता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन बेस्ट रहता है, और एक तो ऐसे प्लेयर होते हैं जो वो लेते उनकी टीम में नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी ग्रैंड लीग चुक जाती है। अब देखो यहाँ पर गाइस दोनों ही केसों के अंदर ये हमें समझ में आ रहा है
क्या है, टीम कितने भी बेस्ट हो पर कोई ना कोई कमी तो रही जाती है। तो गाइस इसका यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो इसका सबसे ज्यादा इजी तरीका कौन सा सॉल्यूशन निकालने का, अगर अभी तक आपने जितने भी ओल्ड मैचेस देखे होंगे जिसके अंदर ग्रैंड लीग विनिंग हुई है, तो वहाँ पे एक बात हमें कॉमन समझ में आती है कि ज्यादा से ज्यादा जिसने जितना, मतलब कुल मिला के ऐसा समझो कि जितने जिसने जितना ज्यादा रिस्क लिया है वो यहाँ पर उतना ज्यादा ग्रैंड लीग के अंदर उसकी अच्छी रैंक आई है। और यहाँ तक कि कहीं जिसने भी 1 करोड़ रुपए भी विन किए हैं ना, यानी कि जो ड्रीम टीम होती है उसको कभी आप नोटिस करना, उस टीम के अंदर हमें एक बात समझ में आती है कि उस टीम में ज्यादा से ज्यादा रिस्क लिया हुआ है। अगर आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे आपके जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। अगर आप एक्चुअल में जीतना चाहते हो तो यानी कि आपको बात समझनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। आप अगर रिस्क लेते हो तो इसका आपको बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास इतने सारे रैंकों के ऑप्शन आ रहे हैं ग्रैंड लीग के अंदर। तो हमारा ये टारगेट रहना चाहिए कि हमने 49 रुपीज लगाए तो एटलीस्ट हमें 1000 रुपए तो मिनिमम मिल ही जाए। अगर 50 रुपए लगाए तो 500, 1000 या फिर 4-5 हजार रुपए भी मिल जाएंगे तो भी इनफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने काफी अच्छी अर्निंग की है। अगर डेली के 1-2 हजार भी ग्रैंड लीग से जीतते हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो 2 से 3 टीम लगा दी आपने और यहाँ पर 1000 रुपए आपने मिनिमम विन कर लिए ग्रैंड लीग के थ्रू, तो एक अच्छी रैंक 2-3 टीम अगर लगाते हो तो एक टीम की अच्छी रैंक आती तो अच्छा प्रॉफिट ये माना जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर ग्रैंड लीग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टीम बनाता हूँ, टीम बनाने के बताऊँ। देखिए उससे पहले मैं काफी सारे वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि स्मॉल मिनी ग्रैंड लीग जो होती है वो भी खेलो, क्योंकि गाइस क्या होता है कि मान लो कि मेगा कॉन्टेस्ट है उसके अंदर 50 लाख टीमें लग रही है, तो वहां पे कॉम्पिटिशन जो रहता है इस तरीके का रहता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रीम टीम के 1000 पॉइंट उस मैच में बनने वाले, ठीक है। तो जो मिनी ग्रैंड लीग होती है ना उसके अंदर 1000 किसी का हो सकता है 800-900 पॉइंट वाली ही टीम हो, या फिर उससे भी जो छोटी टीम हो, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख या फिर 10,000 स्पोर्ट वाली, तो उसके अंदर हो सकता है 600-700 वाली या 700 के आसपास पॉइंट वाली कहीं ना कहीं वो टीम क्या होगी पहली रैंक पे आएगी। तो हो सकता है कि आपके जो 1-2 प्लेयर मिस हो रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको बेनिफिट दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो प्लेयर मिस हुए लेकिन आपकी जो टीम की रैंक थी वो कम आ गई, ठीक है, मतलब स्कोर पॉइंट कम हो गया। अगर स्कोर पॉइंट कम हुआ तो मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर रैंक कम आ गई, बट इन छोटे कॉन्टेस्ट के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कंपटीशन कम होगा। हर कोई बंदा अगर ज्वाइनिंग कर रहा है ना तो वो अच्छी मतलब इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेगा, लगभग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेगा वो। कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक आइडिया देता हूँ आपको कि देखो 50 रुपए की ग्रैंड लीग दिखा रहा है और आपको साथ में 200 रुपए की 1000 रुपए की ग्रैंड लीग भी दिखाएगा जो कि छोटी ग्रैंड लीग होती है। अगर कोई बंदा 200 या 1000 रुपए लगा रहा है तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि वो ये सोच के लगा रहा है कि उसके पैसे एटलीस्ट डूब नहीं जाए, बट आपने रिस्क लेके वहां पे भी ज्वाइन कर दिया तो आपके रैंक ऊपर आने के कितने ज्यादा चांसेस है। अब मान लो कि मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर आप पहली रैंक नहीं ला पा रहे हो, 1 करोड़ रुपए आप नहीं जीत पा रहे हो, बट जो मिनी ग्रैंड लीग है उसमें आप पहली रैंक ला के 1 लाख रुपए तो आप विन कर ही सकते हो ना। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर क्रिएट टीम करते हैं तो देखो क्रिएट टीम के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अगर वो क्रिएट टीम के अंदर सिंपल सा ऑप्शन है कि देखो यहाँ पर ये जो मैच है इसके अंदर हमारे लास्ट मैच के अंदर अगर बात करें तो टॉम का यहाँ पर क्या रहा था कि बढ़िया परफॉर्मेंस थी, शायद 150 रन के आसपास के इन्होंने रन खेले, तो ज्यादा लोग क्या करेंगे इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कैप्टन भी इसी को बना देंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो आपने कभी नोटिस किया हो तो हमेशा लास्ट प्लेयर में जो बंदा कैप्टन रहता है ड्रीम टीम के अंदर वो कभी भी आपको आने वाले 2-4 मैचेस तक नहीं दिखेगा, यानी कि जो प्लेयर चल गया वो बार बार चलने की उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, बहुत रेयर 100 में से 1 बार या फिर 1000 या फिर 10000 टीमों में से एक टीम में ऐसा होगा जो आप बनाओगे ना टीम है किसी एक टीम में ऐसा होगा कि उसका कॉम्बिनेशन अलग हो, बट हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि हर 1000 या 100 टीमों के अंदर वो बंदा फिर से कॉम्बिनेशन में बने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंपल से आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप 30% से कम सिलेक्शन रेशियो वाले पे रखो अपनी टीम के अंदर, उन प्लेयर को शामिल करो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क लो। अब संजू सैमसंग पे बहुत कम लोग दाव खेलेंगे, बट संजू सैमसंग आपके लिए बेस्ट सिलेक्शन रहेगा। आप इस बंदे पे रिस्क ले रहे हो, लगातार 2-4 मैचेस तक रिस्क ले रहे हो और किसी एक मैच के अंदर ही चल गया ना तो आपकी पूरी टीम के अंदर जो स्कोर होगा वो यहाँ पर बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने पिछली वाली ग्रैंड लीग के अंदर बताया था कि टॉम को आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर रिस्क लो, 31% सिलेक्शन रेशियो, क्योंकि इसका सिलेक्शन रेशियो कम है तो इसको अपनी टीम में शामिल करेंगे। तो काफी सारे लोगों ने सिर्फ इसको अपनी टीम के अंदर शामिल किया तो 200 पॉइंट हो गए, लेकिन जिसने इसको कैप्टन के तौर पे यानी कि डबल रिस्क लिया ना वो यहाँ पर ग्रैंड लीग जीते हैं। आप थोड़ा सा भी रिस्क लेकर अगर शामिल कर लेते तो भी आप यहाँ पर सारे स्मॉल लीग जीत जाते। तो यहाँ पर टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर बैट्समैन की बात करूं तो गाइस बैट्समैन पे फिलिप्स के ऊपर ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, संजू सैमसंग है, फिर मिचेल है, इन प्लेयर्स के ऊपर ज्यादातर लोग दाव नहीं खेलने वाले, बट आप यहाँ पर अपनी एक बहुत ज्यादा रिस्क लेके टीम बना रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा टारगेट है कि 50 रुपए मैंने ग्रैंड लीग के अंदर लगा, हो सके तो 0 हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इन 50 रुपए को वापस नहीं चाहता हूँ। 50 रुपए मैंने लगा दिए हैं इसका मतलब ये कि मुझे इससे ज्यादा ही मिलनी चाहिए या फिर मुझे पैसा वापस नहीं मिले, ठीक है। तो ये अब ये सब कब होगा,
जब आपकी टीम बहुत ज्यादा रिस्की होगी। अब बहुत ज्यादा रिस्की होगी तो क्या होगा कि ऐसा होगा कि 10-12 बार आप हार जाओ, लेकिन क्या पता 13वीं या 15वीं बार ऐसा हो जाए कि आप ग्रैंड लीग जीत जाओ या बहुत ऊपर आपकी रैंक आ जाए, टॉप 10 के अंदर आ जाओ, लाखों रुपए जीत जाओ, तो कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये बातें समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से ऑलराउंडर में देखो हुडा के ऊपर आप कर सकते हो, साथ में वॉशिंग सुंदर पे लाओ खेल सकते हो, फिर अगर आप चाहो तो कैसे अलग अलग प्लेयर इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर आप मीचर पे भी ट्राई कर सकते हो, और ऑलराउंडर से जाए तो कैसे युजवेंद्र चहल एक बहुत बेस्ट प्लेयर है, तो यहाँ पर कैसे ज्यादा लोग इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, बट आप इनको अपनी टीम में शामिल कर देना। अर्दीप सिंह की गाइस ये भी ज्यादा टीम के अंदर नहीं मिलेगी, सिर्फ 56% का रेशियो, तो ये भी रिस्की प्लेयर के तौर पर सिलेक्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पर इनको भी अपनी टीम में शामिल करोगे तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिस्क हो। अब जैसे मैं सब रिस्की प्लेयर सिलेक्ट करो, इसका मतलब ये नहीं कि 11 के 11 प्लेयर अपनी टीम के अंदर आप रिस्की बना दो, ठीक है, बल्कि आपको ये करना है कि बहुत कम यानी बहुत रेयर ऐसे प्लेयर अपनी टीम के अंदर रखने हैं कि जो बहुत बड़े प्लेयर हो। जैसे अगर बड़े प्लेयर हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल शिखर धवन है, के विलियमसन है, तो अगर आपने 1 से 2 ऐसे बड़े प्लेयर अपनी टीम के अंदर शामिल कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे रिस्की प्लेयर रखो, तो यानी आपको टीम को अच्छी बनानी है। 3 से 4 प्लेयर आपने बढ़िया सिलेक्ट कर दिए जो ऐसे हो, या फिर 2 प्लेयर ऐसे सिलेक्ट कर दिए जो बड़े प्लेयर हो, जैसे शिखर धवन, के विलियमसन। देन आपको क्या करना है कि जो मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, मैं पहले बताता हूँ कि 5 से 4 या 6 आसपास टर्म प्लेयर मैं आपको बताता हूँ, तो वो आपकी टीम के अंदर शामिल कर दे। इस तरीके से 8 प्लेयर आपके टोटल हो जाते हैं, 6 ये और 2 बड़े प्लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है कि जो बच्चे वो 3 प्लेयर रहते हैं वो हमारे रिस्की प्लेयर रहेंगे, और कैप्टन वैसे होने के ऊपर भी हम उसके ऊपर दाव खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट ये है कि 50 लगाए हैं तो वापस हमें रिटर्न नहीं आना चाहिए। अब देखो 20 तरीके की टीमें बना सकते हो, 20 टीमें बना सकते हो, तो 20 अलग अलग टाइप की टीमें बना सकते हो, तो ये जो टीमें होगी वो रिस्की टीमें होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1 बनाओ 2 बनाओ 3 बनाओ 4 बनाओ, ठीक है, इससे ज्यादा कोई सेंस नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो मैंने कंफर्ट जैसे टीम को भी सिलेक्ट किया है, बोलर के तौर पर बेस्ट सिलेक्शन है, तो इनको कभी अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, ठीक है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के आपको क्या करना है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर हम यहाँ पर रिस्की टीम बनाए, तो हो सकता है संजू सैमसन को वाइस कैप्टन के तौर पर बना दे, के विलियमसन भी बेस्ट प्लेयर है, तो एक मैंने रिस्की अगर वाइस कैप्टन बना दिया तो के विलियमसन को मैंने कैप्टन के तौर पर सिलेक्ट कर दिया। शिखर धवन को अगर वाइस कैप्टन बना दिया तो मुझे रिस्क लेना है, तो रिस्क के तौर पर मैं एस सिंह को यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कैप्टन बना दूंगा, थोड़ा रिस्क ले लूंगा, बॉलर पे मैं बैटर्स खेल लूंगा, तो कुछ भी करके हमें एक बेस्ट टीम बनानी है जिससे ज्यादा रिस्क हम ले सके, और एक अच्छे से मैनेज करके एक बेस्ट टीम बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से बताता हूँ, टीम को टीम यहाँ पर हमारा कैप्टन रह लेगा, क्योंकि यहाँ पर गाइस जो कैप्टन रहेगा ना वो आपको कैसे सेलेक्ट करना है थोड़ा सा रिस्क लेके, तो यहाँ पर हमारे जो गाइस इसने जो लास्ट मैच खेला था इसको 3 विकेट लिए थे, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अगर 3 विकेट ले रहा है तो 75 पॉइंट होते हैं, कैप्टन के तौर पर सेलेक्ट किया तो 150 पॉइंट तो आपके यही हो गए। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कितने मिल सकते हैं आप खुद ही सोचो। और अगर यहाँ पर अगर आपका टीम को बना रहे हो तो आपने शिखर धवन को फिर वाइस कैप्टन बना दिया, या फिर के विलियम्स को वाइस कैप्टन बना दिया, तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक प्लेयर अगर आप रिस्की बना रहे हो तो दूसरा प्लेयर सेफ बना दो, या फिर एक प्लेयर सेफ बना रहे हो तो दूसरा प्लेयर आप रिस्की बना दो, सिंपल है। कैप्टन वाइस कैप्टन के अंदर आप इस तरीके से रखोगे ना कि कैप्टन सेफ है तो वाइस कैप्टन रिस्की, और या फिर वाइस कैप्टन सेफ है तो कैप्टन रिस्की, कॉम्बिनेशन के साथ में खेलोगे तो आपके जीतने के चांसेस काफी बढ़ेंगे। काफी लोगों ने इस तरीके से विन किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी विन कर सकते हो, अगर वो विन कर सकते हैं तो आप भी विन यहाँ कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कितने टीमें आपके लिए सही रहेगी ग्रैंड लीग में खेलना। अब देखो कितनी टीमें रहेगी इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मेरा रिकमेंड ये करता है कि अगर आप रिस्की टीम बनाते हो तो मिनिमम 1 रिस्की टीम लगाओ या मैक्सिमम 4 रिस्की टीम लगाओ। इसके अलावा जो 16 टीमें रहती है मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई और आने वाले टाइम में काफी सारी वीडियोस और भी बनाऊंगा जिससे आप ग्रैंड लीग को समझ सको, क्योंकि देखो 1 करोड़ रुपए अगर जीतने हैं तो सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ तक अभी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो अभी कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से आपको रिप्लाई दे सकूं, और साथ में टेलीग्राम पे आ जाना, मैं वहाँ पे टीम प्रोवाइड करता हूँ, आपको काफी हेल्प होगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन रिव्यू आपको मिलती रहे।